हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 30 जून को उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आशा करता हूं कि आप सभी के अच्छे अंक आए होंगे, आप सभी ने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। एक बार हमें कमेंट करके अपना रैंक और अंक जरूर बताना, कितने अंक आपने हासिल किए हैं। तो कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और रिज़ल्ट आने के बाद में अब दूसरा सवाल आप सभी का यही है कि सर, अब काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी और कौन कौन काउंसलिंग करा सकता है, या सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मैं काउंसलिंग करवा सकता हूं, और करवा सकता हूं तो कब मेरी काउंसलिंग होगी, कौन से राउंड में मेरी काउंसलिंग होगी। तो ये सभी सारे सवालों के जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। काउंसलिंग की ऑफिशियली डेट अनाउंस कर दिया गया है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। आपके एडमिशन तक जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सभी चीज़ें आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से बना बना के बताई जाएगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, आपका रैंक, आपका मार्क्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हो और मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर लेना। एडमिशन तक आप मुझसे ऐसे ही बात कर सकते हो, सलाह ले सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। ये मेरा यूज़र आईडी है इंस्टाग्राम का, नीचे लिंक भी दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर भी क्लिक करके मेरी प्रोफाइल पर जा सकते हैं या फिर आप सर्च कर लीजिएगा और मुझे वहाँ पर मैसेज कर देना और फॉलो भी कर लेना, ठीक है। जल्दी रिप्लाई के लिए फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि भैया वैसे तो रिक्वेस्ट बॉक्स में चला जाता है मैसेज, तो उसका नोटिफिकेशन फ़ोन पर नहीं आता है। जो फॉलो करके मैसेज करते हैं तो फ़ोन पर आ जाता है तुरंत, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि भैया आप बीएड कर रहे हो, तो बीएड करने के बाद आपको सीटेट और यूपीटेट क्लियर करना होता है, और अधिकतर बच्चे बीएड के एडमिशन लेने के बाद में ही सीटेट, क्योंकि लक्ष्य जब क्लियर होता है ना तो हमें तैयारी उसी चीज़ की करनी चाहिए। बीएड वगैरह तो जब एग्ज़ाम आता है तभी तैयारी कर लोगे तो आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो जब आपका विज़न क्लियर है कि भैया मुझे पता है कि मैं बीएड कर लूँगा, तो जब तक मैं सीटेट पास नहीं करूँगा, जब तक मैं यूपीटेट पास नहीं करूँगा, तब तक मुझे जॉब नहीं मिलने वाली है, या तो जब विज़न क्लियर है, जब हमें लक्ष्य हमें पता है करना क्या है, सीटेट क्लियर करना है या यूपीटेट क्लियर करना है, तो हम उसकी तैयारी न करें। और हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो तो कॉलेज भी नहीं जाते हैं पढ़ने बीएड के लिए, तो भैया फ्री रहोगे तो आप लोग सीटेट की तैयारी ही शुरू कर दीजिए। हमारे द्वारा एक बहुत अच्छा बुक रिकमेंड किया रहा है ओसवाल पब्लिकेशन की, जिसमें केवल आपको 10 ईयर्स का सॉल्ट पेपर दिया जा रहा है, यानी इस बुक में है प्रोवाइड किया जाएगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आप उस परीक्षा के कम से कम 10 वर्षों का हल प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व कर लीजिए। 2012 से 2023 तक का यहाँ पर इस बुक में पेपर्स सॉल्व किए गए हैं, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देख सकते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है तो इसका उत्तर तो दिया जा रहा है, साथ साथ में व्याख्या यानी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। तो आप अगर ये 10 साल का पेपर आप सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका अच्छा खासा यहाँ पर तैयारी हो जाएगा सीटेट का। तो आप लोग इस बुक को खरीद सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पहले से ही शुरू कर दोगे प्रिपरेशन तो ज़्यादा आपको टाइम मिल जाएगा, और हर 6 माह पे आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है। तो आप जैसे ही बीएड में एडमिशन लोगे आप एलिजिबल हो जाओगे सीटेट के फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अपेयरिंग कैंडिडेट वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो तैयारी शुरू कर दीजिए और सीटेट एक ही बार में आपको क्लियर करना है, ये लक्ष्य आप निर्धारित करिए। समय ज़्यादा नहीं है, वैकेंसी भी आगे आने वाली है, तो इस बुक को आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, 2-3 दिन में घर पर आपके आ जाएगा। तो आते हैं खबर पर दोस्तों, आज के विभिन्न अखबारों में देखिए निकला है बीएड प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग जुलाई से होगी। अब कितने जुलाई से होगी आइए देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों के सवाल भी आ रहे थे। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, 10 जुलाई से प्रवेश भर के 2510 बीएड कॉलेजों में 2.5 लाख से अधिक सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग होगी। बीएड में प्रवेश प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी। प्रदेश भर में बीएड के 2510 महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख से अधिक सीटें हैं। इसमें 117 राजकीय और अनुदानित महाविद्यालय हैं, जिनमें 7800 सीट पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा 2393 महाविद्यालय
जिसमें 2,45,220 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि ये आपका 7800 जो है ये गवर्नमेंट सीटें हैं, ठीक है, और उसके बाद जो बाकी बचे सीटें हैं टोटल प्राइवेट सीटें हैं। और 10 जुलाई से इन कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर समस्या ये फंसेगी, अगर 10 जुलाई को ये जो काउंसलिंग है ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपेयरिंग में फॉर्म डाला था, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होती है बीएड में फॉर्म भरने के लिए या बीएड करने के लिए, और जो बीएड एंट्रेंस में मौका दिया गया था वो जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे उनको भी मौका दिया गया था बैठने के लिए, लेकिन कंडीशन ये रखी गई थी कि आप परीक्षा तो दे सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम भी हो जाए और आपका रिजल्ट भी आ जाए। अगर मार्कशीट ना मिले तो ठीक है, लेकिन इंटरनेट कॉपी आप रिजल्ट का अपलोड करेंगे तभी काउंसलिंग होगा। जिन्होंने अपेयरिंग में फॉर्म डाला था, जिनका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था, इस बार एग्जाम होने वाला था, एग्जाम हुआ है, तो उन लोगों को रिजल्ट अपलोड करना होगा काउंसलिंग के टाइम पर। अगर रिजल्ट अपलोड नहीं करोगे तो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाओगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि 10 जुलाई मुश्किल ही है, क्योंकि अक्सर मैं कई सालों से तैयारी करवा रहा हूँ, बीएड प्रवेश परीक्षा जो है वो पूरे प्रदेश भर के छात्रों के लिए होता है, पूरे प्रदेश भर में एडमिशन होता है इसका, तो ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है कि जब पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कॉलेजों का रिजल्ट आ जाता है तभी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू किया जाता है, और नहीं आता है तो इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आप परेशान मत होना, अगर आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो आप चिंतित ना हो, इसके लिए सलूशन निकाला जाएगा और डेट इसका बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और डेट अगर नहीं भी बढ़ी तो हो सकता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया 1-1.5 महीने चलती है, तो आप लास्ट में काउंसलिंग करवा सकते हो, पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हो या डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो किसी कॉलेज में, ठीक है, तो चिंता के विषय नहीं है। ये डेट जहाँ तक 100% बढ़ाई जाएगी, 10 जुलाई को पॉसिबल नहीं लग रहा है कि काउंसलिंग हो पाएगी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अभी नहीं आया है। कमेंट में आप जरूर बताना आप किस विश्वविद्यालय से हैं और आपका रिजल्ट आया है कि नहीं आया अभी, ठीक है, तो आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। देख सकते हैं प्रवेश के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से मेरिट जारी की गई है। कुलपति मुकेश कुमार पांडे ने बताया कि अभी कुछ महिला महाविद्यालयों से सीटों की जानकारी आना बाकी है, तो यहाँ पर भी सीटों की जानकारी वगैरह भी कुल कंफर्म नहीं होगी कितनी सीटें हैं, तो भैया पॉसिबिलिटी कम है कि 10 जुलाई से स्टार्ट हो, बट डेट यहाँ पर 10 जुलाई बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड डेट है, ये बदलाव हो सकता है इसमें, ठीक है, परेशान मत होइएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा कम अंक है क्या मेरा काउंसलिंग होगा, बिल्कुल होगा, चाहे जितना आपका अंक हो, आपका 10 नंबर भी आया होगा ना तब भी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, बस ये है कि आपके अंक और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको टाइम आपको मौका दिया जाएगा काउंसलिंग में भाग लेने का। जैसे जिनकी अच्छी रैंक है उनको पहले राउंड में काउंसलिंग दिया जाएगा, जिनके उनके बाद है दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, इस तरीके से मौका मिलेगा, उसके बाद पूल काउंसलिंग हुई, फिर डायरेक्ट एडमिशन होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबको मौका मिलेगा, सीटें जब तक बढ़ती जाएगी तब तक काउंसलिंग होता जाएगा और आप सभी को मौका मिलता जाएगा, तो परेशान मत हो, एलिजिबल सभी लोगों, कोई ऐसा नहीं कि कोई फेल है या किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा, सीटों पे डिपेंड करता है, सीटें अगर बची तो आप सबको मिलेगा जब तक आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो आपका जो काउंसलिंग है वो एक शेड्यूल जारी होगा, उसमें बताया जाएगा कितने से लेकर कितने रैंक का कौन से राउंड में है, तो परेशान मत होइए, शेड्यूल आने दीजिए, फिर आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका कौन से राउंड में काउंसलिंग है। फिलहाल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा वहां पर आपके रैंक के अकॉर्डिंग कि आपके कब तक काउंसलिंग पड़ेगी। तो ये मेरा यूजर आईडी है, आप मुझे सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पर और वहां पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।